रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज शाम रोट केक बना रहे हैं बेकरी स्टाइल में। के लिए हमने 2 टेबलस्पून मुरब्बे लिए हैं और इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैदे का डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। सबसे पहले हमने ये मोल्ड को तैयार करना है। चारों तरफ अच्छी तरह हमने ऑयल लगा लिया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आपने इस मैदा डस्ट करना है और चारों तरफ मैदा लगा लेना है। आइए अब हम बैटर रेडी करते हैं। मैदे का लिया, सबसे पहले हमने 3 अदद अंडे लेने हैं। इसको बोल में डाले, इसमें पूरा कप पीसी चीनी है। बिस्मिल्लाह रखने लगा, ये इसमें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। चीनी और अंडे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हमने ऑयल डालना, आधा कप ऑयल है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अंडे की बू को खत्म करने के लिए इसमें आपने 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस का शामिल करना है। 1.5 कप मैदा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैदा शामिल करके हमने फौरन मिक्स कर लेना है ताकि इसमें लम्स ना बने। इस कप से आपने मैदा नापा है, सारी चीजें उसी कप से मेजरमेंट करनी है। इस तरह मैदा हमने मिक्स कर लिया है। 1 मिनट इसको मिक्स करना है। तो प्यारा सा कलर लाने के लिए इसमें छुटके बार जर्दा कलर शामिल करें, बिल्कुल बाजार जैसा कलर आएगा। पौना कप दूध का। बिस्मिल्लाह रखने लगे। फ्रूट केक बड़ी आसानी से आप घर पे रेडी कर सकते हैं। बच्चों को जब उनका दिल करे केक खाने को, फौरन आप बना के उनको दे सकते हैं। चाय के साथ केक बहुत मजे का लगता है। 1.5 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर है। के हमारा केक का बैटर रेडी हो गया है। सारी चीजें हमने अच्छी तरह मिक्स करनी है। अब इसके अंदर हमने ये जो मुरब्बे है ये मिक्स करने हैं। इसको 2-3 मरतबा टैप कर लें ताकि इसमें से जो एयर बबल है वो निकल जाए और अच्छा सा बेक हो जाए। 10 मिनट के लिए इसको प्री हीट किया और हल्की आंच पे इसको रखना है। तकरीबन 1 घंटा लगेगा इसे बेक होने में। अब इसको ऊपर से कवर कर दें। 1 घंटा हो गया केक को बेक होते हुए। चले आइए ये टूथपिक इसके अंदर डाल के देखते हैं। ये देखिए ये टूथपिक बिल्कुल साफ निकले, इसका मतलब है कि हमारा केक रेडी हो गया है। 1 घंटे में हमारा केक रेडी हुआ है। आइए इसको डिश ऑफ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक देखे कितना स्पॉन्जी रेडी हुआ है। बहुत सॉफ्ट बना और बहुत स्पॉन्जी है। आपने इस रेसिपी को जरूर अच्छा जी। अब इजाजत देने रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह।